with frogs. Cold night and the winter hot gold. गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी भाई अच्छे होंगे। भाई बोल रहे भाई का मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, बोल रही है आज चलते हैं, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद जाने के लिए मिलेगा। तो आज चल रहे हैं, आज के बाद पता नहीं कितने दिन बाद जाएंगे। भाभी क्या खाने का मन कर रहा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम, भाभी का आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। फिर ये क्यों जा रही है? तो ऐसे बोलती है मुझे मेरे साथ एक बॉडीगार्ड चाहिए। बॉडीगार्ड चाहिए, ये असली मजा सबके साथ आता है, इसीलिए हम सब जाते हैं। तो फाइनली भाई भाभी को मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। ओनली आइसक्रीम, असली मैं तो सबके साथ ओनली आइसक्रीम। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ठंडा, मतलब ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे? हाँ, वो भी चल जाएंगे, छोले भटूरे भी चल जाएंगे। भाई मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी फास्ट फूड से ब्रेक ले रखा है, तो 22 तारीख को एक महीना हो जाएगा, तो इसीलिए अभी तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं। अभी है ना, हम वेट कर रहे हैं मम्मी के आने का। मम्मी गई है दूध लेने, भैया गए मार्केट, तो भैया भी आ जाए, मम्मी भी आ जाए, पापा तो जाते नहीं कहीं, तो हम ही लोग जाएंगे, पांच लोग जाएंगे हम। लेट्स गो गाइस, चलते। चले, मम्मी की सॉल निकल आई भाई, ठंडे ठंडा आ गई, मम्मी की सॉल निकल आई। फ्रेंड मम्मी भी आ गई, बस अब भैया का वेट कर रहे हैं, भैया आ गए जल्दी, फिर चलते हैं। भाई जल्दी, भाई जल्दी, भाई जल्दी। हाँ क्या बेकार है, टी शर्ट पहन ली, पैंट पहन लिया, मतलब और क्या कपड़े पहन के जाओ, लंदन में तो जा नहीं रहे, पास में जा रहे हैं। भाई अभी है ना, हम यहाँ से गाड़ी में जाएंगे, बट मम्मी है ना भाभी को उधर से पैदल पैदल लेके आएंगी। पैदल पैदल आ जाओगी? मम्मी और भाभी है ना उधर से पैदल पैदल आएंगी, भाभी को अभी एक्सरसाइज की जरूरत है। भाई देखो टहलना इतना इम्पोर्टेंट होता है, ये नहीं सुबह जग के और छत पे टहलने राउंड लगा लो उसके, बट नहीं, कौन मेहनत करे। तो वो दर्द तो तभी दूर होगा ना जब टहलोगी। भाई अब है ना, हम पांच लोग जा रहे हैं, पापा जा नहीं रहे, पापा बाहर का खाते ही नहीं, चिकना ही नहीं खाते ना पापा, तो इसलिए पापा जा नहीं रहे जी। देखो रहने, बस बस 2 रुपए मांगती रहती है जी। देखो फोटो शूट चल रहा, फोटो शूट, मम्मी पोज दे रही है, फोटो शूट चल रहा, फोटो शूट, दूध गर्म कर रही मम्मी खड़े खड़े। भाई ये पहली मैंने शूज इनका, भाई फोटो फोटो शूट नहीं खत्म हो रहा। देखो तीनों सास बहु नंद एक बस घर में, मुझे फोटो का शौक नहीं है, इन सबको इतना फोटो का शौक है, बस मेरे अलावा भाई सबको ना फोटो क्लिक करने का शौक है। देखो अरे कैमरा मैन और ये पब्लिक। इतना टाइम लग गया ना घर से निकलने में, बट चलते हैं। इतना टाइम लग गया, देखना डिंपल आ रही है आगे, चले। अरे सिंगर भाई, हमारे घर में दो सिंगर है, एक जी नहीं भगवान के तो गाने गा रहे, मम्मी भी बैठी है, लेकिन नहीं भगवान के गाने नहीं गाएंगे, रैप गाएंगे, रैप। भाभी गाओ, भाभी पे भी नहीं आता, मुझ पर भी नहीं आता, मम्मी पे भी नहीं आता जी। देखो बस बस, people call me insane but you ain't know my pain, just wanna pop alive, I wanna end this fight with frogs, cold night and the winter hot gold. ek aur kahani banne lagi janak ka jo sandesh aaya, par banega wo sita ka shiv dhanush jo utha paya, utha saka na koi bhi usko aisi usme shakti thi, pal bhar mein hi dhanush uthaya, ram naam mein bhakti thi. क्या मम्मी, मम्मी मम्मी रही मम्मी के क्या, मम्मी की थाली तेरा, डिंपल की थाली, भाभी भाई बताएंगे क्या,
भाई बताओ, भाभी सोच रही है अभी क्या मंगाया जाए। भाभी की पाव भाजी और दही पापड़ी, ये आ गई भाई भाभी की पाव भाजी, मम्मी के लिए चाउमीन, अभी प्लेट में टाइम लगेगा। ये रोटियाँ पसंद नहीं है, ये चीज़ें पसंद नहीं है ना, छोले भटूरे पसंद है, मम्मी खाती है सबसे स्लो। ये दोनों खा पी के फ्री। हाँ और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए भाभी, और कुछ हो गया फुल। पापड़, बिना पापड़ के है ना इनका खाना पूरा नहीं होता। हाँ भैया डाल। ये हो गया भाई पापा के लिए, पापा आए नहीं है, पापा कहीं जाते नहीं है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम आए थे विशाल ढाबा। अब भाई फाइनल रही है आइसक्रीम, अब हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम कितना खाता है ये लड़का? मैं तो बड़ा खाता हूँ, मैं थोड़ा सा खाता हूँ, वो मैंने आधी सी रोटी खाई थी, थोड़ी सब्जी खाई थी बस। खाई नहीं, इसने सूख सूख रख दी। यू ईट लाइक अ गोरिल्ला। रोज डेली बाहर का खाता, बाहर का मुझे देखो भाई कौन खाता है। मैंने एक महीने से फास्ट फूड बंद कर दिया, इसीलिए मैंने अब चाउमीन और पाव भाजी नहीं खाई, मैंने ओनली रोटी खाई थी। अब हम आ गए टी वाई सी आइसक्रीम। आइसक्रीम कहाँ है आइसक्रीम? तो फ्रेंड्स भाई मैंने पता लिया सचूच काम। भाभी, भाभी ने कौन सी लिया? ओ भाई भाभी की बात, भाभी की खत्म भी हो गई, तूने कौन सी लिया? और भाई मम्मी ले रही है अभी मूंगफली, मूंगफली भाई। ये लोग है ना देखो, अभी है ना मार्केट में रुक गई, ओ भाई धोती देखने में, साड़ी देखने लग गई। पूरा जहाँ भी जाती है ना इन लोगों के साथ, जब भी अच्छा नहीं रहता तो जैसी ना साड़ी देखी वही रुक जाती है, तीनों की तीनों रुक गई, वही तीनों की तीनों। भैया गाड़ी लेके आ रहे पैदल पैदल, हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा घूमना हो जाएगा ना, इसलिए भाई पैदल पैदल चल रहे हैं अभी हम लोग। Fast forward a year or two, friends have changed, but so can you. अब फाइनली भाई समीर ने आइसक्रीम खा ली, बट मेरी आइसक्रीम भैया ना एक घंटे में खत्म होगी कम से कम, तेरी तो अभी हो जाएगी, मेरी कम से कम एक घंटे में खत्म होगी आइसक्रीम। तो इसका नाम पता क्या है? सचमुच काम। सीरियसली टेस्टी लगती है, सचमुच के आम जैसी लगती है। अब घर जा रहे भाई, सबका हो गया, डिनर हो गया, आइसक्रीम हो गई, अब जा रहे भाई घर। तो फ्रेंड्स पता भाई हम लोग तो फैक्ट्री पहुंचे, बट मेरी आइसक्रीम नहीं खत्म हुई। मम्मी और भाभी है ना घूमने की वजह से ना, पैदल पैदल चलने की वजह से वहीं उतर गई, तो अभी वो लोग घर पे पहुंचती होंगी, मैं उनको वही चाबी दे के आता हूँ। तो अभी चलते घर, फिर भैया को, भैया के साथ जाऊंगा मैं मार्केट। हाँ तो भैया के साथ जाऊंगा मार्केट, क्योंकि जो फैक्ट्री का माल है ना वो लेके आना। टफी को पसंद नहीं है, कोई भी कुत्ता है ना हमारे घर के आ गया है। कहो भाई तू ही लड़ने लग गया था सब कुत्तों से। तो फ्रेंड्स पता भाई अभी है ना एसी है ना ऑन किया, तो है ना इसमें से मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मिट्टी की आती है ना, पानी डाल दो तो मिट्टी की आती है, ऐसी बारिश वाले टाइम जैसी, वो सूंघते ही जाओ इतनी मतलब इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है इसमें, सीरियसली गाइस।
पता जिस फैक्ट्री में आए ना उसमें वही कंचे बनते हैं, तो बचपन में खेलते थे हम लोग कंचे, वो बनते वही यहाँ. तो फ्रेंड्स भाई जब तक है ना अंकल गाड़ी में से माल निकाल रहे हैं तब तक भाई तुम्हें दिखाता हूँ कंचे कैसे बनते हैं, लेट्स गो. तो फ्रेंड्स भाई ये है रॉ मटेरियल, मतलब जो टूटी फूटी कांच की बोतल होती है वो है, ये सब उनका रॉ मटेरियल है ये. भैया चारों तरफ देखो ये कंचे ही कंचे रखे हुए हैं, ये कट्टे पैक हुए भाई उनमें कंचे भरे हुए हैं, यहाँ से माल सप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया आउट ऑफ इंडिया. भाई देखो ये है ना अभी अभी निकले हैं गरम गरम कंचे, मतलब रेडेस हो रहे हैं ना अभी, गरम है ये बहुत ज़्यादा, तो अभी निकले हैं ये. तो फ्रेंड जो कच्चा माल होता है उसे मशीन में डालते हैं, वहाँ से है ना बहुत ज़ोर से मतलब भट्टी चल रही है, वो भट्टी में से फिर है ना किसी मशीन द्वारा ना ये बनते हैं छोटे छोटे पीसों में टुकड़े हो जाते हैं, और ये नॉर्मली इन रेलिंग में होते हुए ये जो टीन का कनस्ता रखा उसमें इकट्ठे होते रहते हैं. तो फ्रेंड्स भाई ये कंचे ना इतने गर्म है अंकल इन पर रोटियां सेक रहे हैं, मतलब 24 घंटे लग जाते हैं इन कंचों को ठंडा होने में, तो अंकल भाई इन पर आराम से रोटियां सेक रहे हैं. अब ठंडे हो रहे हैं, ये पंखा लगा हुआ है. अभी है ना जिस फैक्ट्री में हम गए थे पैकिंग वाली पॉलिथीन देने, भाई उसमें ना कंचे ही कंचे थे, मतलब इतने कंचे बन रहे थे भाई, वहाँ जहाँ भी देखो कंचे ही कंचे थे, वहाँ पे कंचे बन रहे थे और वहाँ रेल के पहिए बन रहे थे, ट्रेन के पहिए बन रहे थे उसमें, और क्या बन रहा था वहाँ पे, ये दो चीजें तो मैंने नोटिस करी थी और पता नहीं कुछ बन भी रहा था एक्स्ट्रा में, बट दो चीज मैंने नोटिस करी, भाई रेल के पहिए बन रहे थे वहाँ पे और कंचे बन रहे थे. भाई कंचों पे ना एक अंकल रोटी सेक रहे थे, मतलब उनकी रोटी भाई रोटियां सिक रही थी कंचों पे, क्योंकि इतने गर्म थे वो बोल रहे थे 24 घंटे लगेंगे कंचों को ठंडे होने में, और इतना टाइम लगता है कंचे ठंडे होने में, बड़ी प्रोसेस थी काफी. नॉर्मल जो भट्टी थी ना भाई उनकी 48 घंटों में चालू होती है, मतलब नॉर्मली, और एक बार जो चालू होती है वो 6 महीने के लिए चालू होती है, 6 महीनों फिर बंद नहीं होती, वो 6 महीनों तो लगातार बनते हैं उसमें कंचे. लेट्स गो गाइस, चलते हैं भाई घर. दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, तमाम दावे किए जा रहे हैं और फ्रेंड्स भाई ये हो चुकी है पापा के पैरों के माले से स्टार्ट, और भैया आ जाना, भैया देखो मूवी देख रहे हैं आज मूवी. तो फ्रेंड्स भाई देखो ये ना दोबारा बड़ी हो गई है, कल जाऊंगा फिर छोटी करवाने जाऊंगा ऐसे, बट ओनली भाभी का बाहर घूमने का मन कर रहा था इसीलिए हम लोग गए थे. तो कल देखते भाई कल कहाँ जाए, कल संडे है, कल चलेंगे भाई किसी बढ़िया सी जगह चलेंगे, कल आगरा में कोई बढ़िया सी लोकेशन पर चलेंगे कल. बट इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.